राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में रणथंभौर स्थित एक हेरिटेज होटल में रविवार को भाजपा की दो दिवसीय मंथन बैठक शुरू हुई, जो रात 11 बजे तक चली। उद्घाटन सत्र के अवसर पर सभागार में संगठन की ओर से आमंत्रित सभी प्रमुख लोग दो कतारों में बैठे दिखाई दिए। एक किनारे पर वसुंधरा राजे थी तो दूसरे किनारे पर भाजपा के कद्दावर नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ बैठे हुए थे, जबकि दोनों के बीच भाजपा संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए थे। बैठक की शुरुआत में जिला भाजपा की ओर से सभी नेताओं के स्वागत के बाद राष्ट्रगीत का गायन किया गया। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, चुनावी मोड में बीजेपी आ गई है, मंथन बैठक शुरू हुई है, दो दिवसीय बैठक, क्या कुछ अपडेट? जी आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सभी एक्शन मोड में आ गई है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा था, उससे पहले सिरोही का दौरा था और उससे पहले यहाँ पर बात करें दोसा के पास दौरा था, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है और प्रधानमंत्री दौरों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का दौर, मंथनों का दौर भी चालू हो गया है। जहां तक बात करें पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। अब यहीं पर कल की बैठक के बारे में बात करें, दो दिवसीय चिंतन शिविर के नाम से मंथन का बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें आज दूसरा दिन जारी है, कल पहली बैठक जारी की गई थी, उसमें जो कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश की राजस्थान सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो महंगाई राहत कैंप है, जन कल्याणकारी योजना है, उनका तोड़ देखा जा रहा है, उनका तोड़ निकाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो मुफ्त में योजनाएं दे रही है, मुफ्त में जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दूसरी स्कीम में निकाली है जिसके अंदर बात है कि वीडियो बनाओ और विजेता पाओ, तो ऐसी कई योजना है जो कांग्रेस सरकार को उनको भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ना चाहती है। वो चाहती है आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी रिपीट ना हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब तक एकजुट होकर कार्रवाई नहीं करेंगे, एकजुट होकर एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक वो कांग्रेस पार्टी का सामना नहीं करेंगे। तो ऐसे जो आयोजनों का किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, मंथनों के माध्यम से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है और सरकार बनाने के लिए आतुर है। जी आशीष जी, लीलाधर, आज दूसरा दिन है ये बैठक, लगातार दो दिन की बैठक है, आज कौन कौन से सत्र आयोजित होंगे, कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा, जहां तक बात के सत्रों की बात की जाए, यहाँ पर जो सत्र है, जो बात करें जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ जो व्यूहरचना रची जा रही है कि अब आगामी विधान जो विधानसभा सत्र मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, उसमें आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक रुख बनाने जा रही है। और साथ ही हम बात करें कि राज्य में जो पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दलितों का मामला हो और महिलाओं में बलात्कार अत्याचार जैसे मामले हो, ऐसे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप बनाने की कार्रवाई कर रही है। और ये जो प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे के बाद जो सवाई माधोपुर का जो पूरी राजस्थान का एरिया है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो जहां पर पिछली बार शिकस्त मिली थी, अब उसका सामना करने के लिए अब सवाई माधोपुर के अंदर ये जो मंथन का कार्य किया गया, इसमें आपको बताना चाहूंगा जो दो दिवसीय मंथन का कार्य है उसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उपनेता सतीश पूनिया है, सांसद किरोडाल मीणा है, सुखबीर सिंह जौनपुरी है, ऐसे कई नेता है जो एक राजनीति के तहत, एक मंथन के तहत कांग्रेस पर जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो एकजुट होकर ये मंथन का आयोजन किया जा रहा है। जी आशीष,
जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत, जिन्होंने बताया कि लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है। रणथंभौर की एक हेरिटेज होटल में बीजेपी आगामी चुनाव की रणनीति में जुट गई है।